आइए अब हम लोग ग्रुप सी को पढ़ते हैं। ग्रुप सी ए और बी हम लोग पढ़ चुके हैं। सी से हम लोग दो क्वेश्चन को करेंगे और इसमें दो क्वेश्चन आपका आएगा 2D से, दो क्वेश्चन आपका आएगा 3D से, और हम लोग 3D को इग्नोर करके दोनों ही क्वेश्चन 2D से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है आपका 10 का ए नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है कि फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, यानी कि एक इलिप्स का हम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। और इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए जब पूछे, चाहे पैराबोला पूछे हाइपरबोला पूछे, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करना जरूरी होता है कि इलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला क्या होता है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है डेफिनेशन देखिए, कहता है कि एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन व्हिच मूव्स इन द प्लेन इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस इज इन द सेम प्लेन टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। क्या कहता है कि आपका एक मूविंग पॉइंट, समझ गए, उस मूविंग पॉइंट का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उसी आपका मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस के रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट आपका एक से कम होता है, समझ गए, वो कांस्टेंट रेशियो आपका एक से कम होता है और उसी कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। आपको फोटो से भी दिखाएंगे, पहले एक बार मैं यहाँ लिख देता हूं बी कांस्टेंट रेशियो is generally denoted by e, जो कि आपका एक से छोटा होता है, समझ गए, कॉन्स्टेंट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं e। एक फोटो के माध्यम से समझिए, मान लीजिए कि आपका p xy आपका एक मूविंग पॉइंट है, समझ गए, ये पॉइंट मूव कर रहा है। कहता है कि इस पॉइंट का किसी खास पॉइंट जिसको कि हम लोग S, यानी कि ये आपका हो गया फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं, और यहां पर एक फिक्स्ड लाइन, समझ गए, ये आपका है फिक्स्ड लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। कहता है ये जो मूविंग पॉइंट है P, ये आपका है मूविंग पॉइंट, समझिए, कहता है इस पॉइंट से इसका दूरी यानी कि PS और फिर इसी आपका फिक्स पॉइंट से इस लाइन का दूरी, यहां पर आप एक जैसे दूरी का बात बोल रहा है, इसका मतलब कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करना है, समझ गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करना है। कहता है कि PS और PM के दूरी का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है और वह कांस्टेंट एक से कम होता है, यानी कि PS by PM equal to E होगा, जहां पर E जो है एक से क्या होता है छोटा होता है, और इसी E को हम लोग क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इस E को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, समझ गए, इस E को क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और यही डेफिनेशन आपका जो है, यही डेफिनेशन आपका हो सकता है हाइपरबोला के ही, बस हाइपरबोला का डेफिनेशन में आपको ये बोल देना है कि E आपका एक से क्या है बड़ा है, समझ गए, हाइपरबोला के केस में E एक से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, ठीक, पैराबोला के केस में E और आपका वन एक दूसरे के बराबर हो जाता है, डेफिनेशन एक ही रहता है, सिर्फ E लेस देन वन तो इलिप्स, E ग्रेटर देन वन तो हाइपरबोला, और E जब आपका एक के बराबर हो जाए आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है पैराबोला। तो जैसे पूछे इलिप्स के इक्वेशन को निकालिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन को निकालिए,
तो सबसे पहले इसको आप डिफाइन कर लीजिए और तब फिर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को निकालेंगे। इसको आप नोट कीजिए। आइए अब मेन थ्योरम को हम लोग सिद्ध करते हैं, इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को निकालते हैं। क्या करना है देखिए, ये अंडा के आकार का आपका इलिप्स होता है और ये आपका एक पॉइंट है S और ये आपका एक लाइन है जेड और जेड, समझ गए? ये आपका एक लाइन, कौन सा लाइन है? जेड जेड डैश और ये अंडा का आकार का आपका एक इलिप्स है और यह आपका एस जो है ये आपका है फिक्स्ड पॉइंट, समझ गए? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे लेट एस बी दी फोकस जेड जेड डैश बी दी डायरेक्ट्रिक्स एंड ई बी दी इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हूज इक्वेशन इज टू बी डिटरमाइंड। समझ गए? हम लोग जो है जिसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं, जिस इलिप्स के इक्वेशन निकालना चाहते हैं, S उसका क्या है? फोकस है, Z ZS डायरेक्ट्रिक्स है और E आपका इसेंट्रिसिटी है। एक जो है यहां से लंब डालिए और ये मान लीजिए कि आपका है D, यानी कि क्या लिखिएगा? ड्रॉ S के परपेंडिकुलर टू जेड जेड एस, ये जो है ना एक लंब डाले तो जेड जेड एस को ये क्या किया कि S के किस पे लंब डाले हम लोग? जेड जेड एस पे, जो कि इलिप्स को एक बार तो यहां पर काटता है A पर और इसी को जब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, समझ गए? इसी को जब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इस जगह पर इलिप्स को कहां पर काटता है? एडेस पे, समझिए कहां पर काटता है? ये एडेस पे, ठीक है? ये भाई साहब एडेस पे आपका काटता है। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ एस के परपेंडिकुलर जेड जेड एस, हाँ, विच कट्स द इलिप्स एट ए एंड एडेस, ए एंड एडेस, और एडेस कहां पर है? तो एडेस आपका एस के प्रोड्यूस पे, यानी कि आप यहां पर लिखेगा के एस प्रोड्यूस्ड, के एस क्या प्रोड्यूस, यानी कि के एस के बढ़ाए हुए भाग को कहां पे काटता है? एडेस, समझ गए? यानी कि एडेस कौन सा पॉइंट है? एडेस हम लोग के एस को जो पीछे की तरफ बढ़ाए ना, तो उसी पॉइंट को, वही लाइन आपका इलिप्स को कहां पे काटता है? एडेस पे, ठीक है? ये भाई साहब आपका एडेस पे काटता है, ठीक है? अब देखिए आपका क्या है कि चूंकि ए और एडेस आपका इलिप्स पे है, तो इलिप्स का डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि ये आपका A और NS इलिप्स पे है, तो डेफिनेशन क्या कहता है? A से फोकस का दूरी और A से डायरेक्ट्रिक्स के बीच के दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा? E, कितना हो जाएगा?
ई हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, therefore by definition of ellipse, A से S का दूरी और A से K का दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, E, and फिर A' भी तो आपका ellipse पे है ना, तो A' से S का दूरी, A' S और फिर A' से डायरेक्ट्रिक्स यानी कि आपका किसके दूरी, K का दूरी, किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका E के बराबर, समझ गए, ये आपका किसके डेफिनेशन से, तो इलिप्स का डेफिनेशन से, यही दिखाता है कि इलिप्स पे जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से फोकस का दूरी और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच के दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, E, रेशियो आपका हो जाएगा E। कहने का मतलब है दैट इज एस बराबर ई इंटू ए के मिल गया एंड एडस एस इक्वल टू ई इंटू एडस के मिल गया। इसका नाम एक दे दीजिए और इसका नाम क्या दे दीजिए, दो, ठीक है, एक का नाम एक और दूसरे का नाम हम लोग दे दिए दो। अब देखिए क्या है, अब हम लोगों को क्या करना है, लेट ए एडस इक्वल टू टू ए, हम लोग ए और एडस के बीच की दूरी को क्या ले लिए, टू ए, एंड सी बी डी सेंटर, सी आपका क्या हो गया, सेंटर, ए एडस हम लोग क्या ले लिए, टू ए, और सी को हम लोग क्या मान लिए, सेंटर, यानी यहां पर एक हम लोग पॉइंट ले लिए सी, समझ गए, इस जगह पर एक पॉइंट ले लिए सी, सी बी डी सेंटर, ठीक, सी आपका सेंटर हो गया, देयरफोर ए एडस आपका कितना लिया है, टू ए, सी बीच का पॉइंट है, तो सी ए और सी एडस ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, किसके बराबर, ए के बराबर, देयरफोर सी ए इक्वल टू सी एडस और ये कितना हो गया, ए, तभी तो ए और ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, टू ए हो जाएगा, ठीक है, तो सी ए और सी एडस आपका हो गया ए। अब ऐसा कीजिए कि एक और दो समीकरण को आपने जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा, एस प्लस एडस एस इक्वल टू ई इंटू ए के प्लस ई इंटू एडस के, और आप क्या कीजिए, तो ए एस डैश, समझ गए, ए एस, ए से एस और आपका एडस एस, ध्यान से देखिएगा, ए से एस और फिर एडस से एस, ये दोनों मिलकर तो ए एडस हो जाएगा ना, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ए एडस, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, ए एडस, हाँ या नहीं, देखिए एस से ए का दूरी और एस से एडस का दूरी दोनों मिलकर कितना हो गया, ए एडस बराबर, यहां पर ई आप कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, ए के प्लस एडस, आपको मिल गया ए के प्लस एडस। अब देखिए तो क्या कीजिए, ए एडस किसके बराबर, 2a इक्वल टू e इंटू ए के, ए के कोई भी आप जो है दूरी कहां से लीजिएगा, c से मिडिल पॉइंट से, तो ए के को आप लिख सकते हैं c के माइनस सी ए, लिख सकते हैं कि नहीं, ए के को आप क्या लिख सकते हैं, c के माइनस सी ए, ए के जगह पर लिखिए सी के माइनस सी प्लस एडस के, एडस के, एडस के, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एडस प्लस सी के, क्या लिख सकते हैं, सी एडस प्लस सी के, तो इसको आप लिख दीजिए सी एडस प्लस सी के, हाँ या नहीं, यानी कि 2a इक्वल टू ई सी के, सी के कितना हो गया, 2ck माइनस ca, ca तो आपका a के बराबर है और ca डैश ये भी किसके बराबर है, a के बराबर है, यानी कि दोनों आपका हो गया a, और इस प्रकार से देखिए कि ये दोनों भाई साहब कैंसिल, तो 2a बराबर e इंटू 2ck हो गया, 2 कैंसिल और यहां से ck निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा, a बाय e,
समझ गए सी के कितना मिल गया, तो सी के आपको मिल गया ए बाय ए, और इसका आप नाम दे दीजिए फिलहाल, या रहने दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो बाद में देंगे, हाँ या दे ही दीजिए, जब मन हो गया तो दे दीजिए। इसका नाम आप क्या ले लीजिए, तीन नंबर, समझ गए, इसका नाम हो गया तीन नंबर। अभी जोड़े थे ना, अब आप माइनस कर दीजिए, दो से एक को माइनस कीजिए, टू माइनस वन इंप्लाइज आपका कितना हो जाएगा, एडस एस माइनस ए एस इक्वल टू ई इंटू एडस के माइनस ई इंटू ए के, तो एडस एस देखिए एडस एस है ना, तो एडस एस को आप क्या लिख सकते हैं, एडस सी प्लस सी एस, एडस एस को क्या लिख सकते हैं, एडस सी प्लस सी एस, इसको आप लिखिए एडस सी प्लस सी एस माइनस ए एस है, माइनस ए एस है ना, ए एस इसको आप लिख सकते हैं सी ए माइनस सी एस, ये है ना एस ए या ए एस बोलिए, इसको आप लिख सकते हैं सी ए माइनस कितना सी एस, यानी कि सी ए माइनस सी एस, ये हो गया सी ए माइनस सी एस बराबर ई कॉमन आपका हो गया एडस के माइनस ए के। अब देखिए तो एडस सी, एडस सी या सी एडस किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये आपका हो गया ए प्लस सी एस, और सी ए सी ए फिर तो आपका ए के बराबर है, ए माइनस इनटू माइनस प्लस सी एस इक्वल टू ई एडस के, एडस के आप लिखे थे यहां पर एडस के, एडस के जगह पे क्या लिखे थे सी एडस प्लस सी के, और फिर ए के जगह पे क्या लिखे थे ए के सी के माइनस सी ए, समझ गए सी के माइनस सी ए हम लोग लिखे थे। तो देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सी एस प्लस सी एस टू सी एस इक्वल टू ई, यहां पर देखिए सी के कैंसिल, सी एडस ए के बराबर है माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर सी ए है आपका ए के बराबर है, यानी कि टू सी एस बराबर टू ए, टू कितना हो गया ए, और इस प्रकार से टू टू कैंसिल, तो सी एस बराबर कितना हो गया ए, सी एस बराबर आपका हो गया ए, और सी के बराबर ए बाय ए है, आप इसका नाम दे दीजिए चार, समझ गए इसका नाम चार नंबर दे दीजिए, आप इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिडिल पॉइंट सी है इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, लेट सी बी इज ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लीजिए, और क्या कीजिए कि इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए एक्स, और इधर आपका कितना हो गया एक्स डैश, समझिए इधर आपका कितना हो गया एक्स डैश, ठीक है सी एक्स और एक्स डैश, या यू कहे कि आपका एक्स डैश सी एक्स को आप क्या मान लीजिए, तो एक्स, ठीक है सी इज ओरिजिन एक्स डैश सी एक्स इज एक्स एक्सिस, एंड आप यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, समझ गए ये y, यानी कि आपका हो गया yc परपेंडिकुलर टू कितना x डैश x है, yc हम लोग किस पे परपेंडिकुलर डाले x डैश c x पे, yc परपेंडिकुलर x डैश c x is y axis, कहने का मतलब है कि ये वाला भाई साहब आपसे x एक्सिस हो गया और ये वाला भाई साहब आपका कितना हो गया y एक्स, चलिए ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब x एक्सिस y एक्सिस हो गया तो अब देखिए तो नाउ वी हैव, हम लोगों के पास c के बराबर कितना है a बाय e,
सी के बराबर कितना है ए बाई, यानी कि सी तो अब आपका मूल बिंदु हो गया ना, सी अब आपका क्या हो गया मूल बिंदु ओरिजिन, और ओरिजिन से इस लाइन का जो दूरी है वह ए बाय ई है, और यह लाइन आपका क्या है डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन को आप क्या माने थे डायरेक्ट्रिक्स। कहने का मतलब है कि इस लाइन के इक्वेशन कितना हो गया, इस लाइन के इक्वेशन हो गया ए बाय ई, लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड के इज, या तो जेड के बोल लीजिए या जेड जेड डैश बोल लीजिए, जेड के ब्रैकेट में लिख दीजिए, जेड जेड डैश इज कितना हो जाएगा, ये दूरी है ना, यहां से यहां की दूरी आपका क्या कहलाएगा एक्स, क्या कहलाएगा एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू ए बाय ई, या लिख सकते हैं सी के इक्वल टू ए बाय ई, ये आपका किसका दूरी हो गया, ये आपका किसका इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए किसका इक्वेशन हो गया ये डायरेक्ट्रिक्स। फिर देखिए अगेन अगेन वी है, हम लोगों के पास कितना है सी एस बराबर ए, यानी कि सी एस बराबर ए, और एस आपका क्या है फोकस है, तो एक्स एक्सिस पे एस है ना, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है जीरो, लिखिएगा वी हैव सी एस इक्वल टू ए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एस इज कितना हो जाएगा ए, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है जीरो, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट आपका हो गया जीरो। कहने का मतलब है कि इसका जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया ए ई जीरो, एस का कोऑर्डिनेट हो गया ए ई जीरो। यहां तक यदि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कीजिए कि एक पॉइंट ले लीजिए यहां पर P X Y, लेट P X Y बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, X Y आपका कोई एक पॉइंट, यहां से एक आप लंब खींचिए परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दीजिए एम, यानी कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर जेड जेड, ठीक है, और एक जो है एक यहां पर आप लंब खींच लीजिए और इसका नाम दे दीजिए एम, क्या नाम दे दीजिए एम, पी एम परपेंडिकुलर कितना सी ए, कितना दे दीजिए सी ए, कोई भी नाम दे सकते हैं, सी ए दे दीजिए सी एक्स दे दीजिए, बात एक ही है, पी एन हम लोग क्या किए परपेंडिकुलर डाले, और एस से पी को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन एस पी, ज्वाइन एस पी, एस पी को हम लोग क्या किए ज्वाइन कर दिए, समझिए एसपी को हम लोग मिला दिए। अब क्या कहता है देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स के डेफिनेशन क्या कहता है, चूंकि ये पी पॉइंट आपका इलिप्स पे है ना, तो इस पी से फोकस का दूरी और इस पी से इस परपेंडिकुलर का दूरी, इस लाइन का दूरी आपका इसका रेशियो कितना होगा E के बराबर होगा, यानी कि देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PS बाय PM बराबर कितना हो जाएगा E, यानी कि PS बराबर E इनटू PM, और अब क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर इनटू PM का स्क्वायर, PS का मतलब क्या हो गया इसके P और S के बीच की दूरी, PM का मतलब क्या हो गया, PM का मतलब
आप एन के भी तो लिख सकते हैं, पीएम के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एन के लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? तो पीएस स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, पीएस स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, हाँ या नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और आपका पीएम किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। ये आपका हो गया ई स्क्वायर इंटू एन के स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसको आप तोड़ दीजिए, ये आपका कितना हो गया बोलिए तो ये भाई साहब आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर एन के है ना। इस एन के को आप सी के माइनस ये लिख सकते हैं, इस एन के को एन के है ना, यहां से यहां तक एन के है, इसको आप सी के से क्या घटा दीजिएगा, सी एन, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं सी के माइनस सी एन, और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर सी के। सी के आपका किसके बराबर, याद कीजिए सी के हम लोग क्या निकाले थे, ए बाई ई, यहां पर भी लिखे सी के की जगह पे ए बाई ई लिखे, ए बाई ई और सी एन। सी एन किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है पी का एक्स वाई है, इसका मतलब सी एन आपका एक्स के बराबर हो गया और पी एन किसके बराबर, वाई के बराबर, हाँ या नहीं? क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यानी कि सी एन किसके बराबर, एक्स के बराबर, और आपका पी एन किसके बराबर, वाई के बराबर। तो हम लोग सी एन के जगह पे लिखेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, यहां पर ई आपका एलसीएम हो जाएगा, ए माइनस ई एक्स का कितना हो गया होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो गया ई स्क्वायर। और इस प्रकार से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो बचा उसको आप लिख दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, इतना हो गया। और गौर से देखिए कि ये दोनों भाई साहब आपका क्या हुआ, कट गया, समझ गए दोनों भाई साहब आपका कट गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब देखिए क्या कीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए, बोलिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बोलिए प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका हो गया, समझ गए, ये आपका हो गया। अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, ये माइनस नहीं होता प्लस होता है ना, यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर होता है, हाँ या नहीं? अरे दूरी सूत्र में क्या होता है जी, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, इसको प्लस कर दीजिएगा, ये वाई स्क्वायर किसमें हो जाएगा, प्लस, समझिए ये भाई साहब आपका प्लस है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कितना हो गया, अब देखिए क्या कीजिए, तो एक्स स्क्वायर और ये आपका हो गया प्लस कितना, वाई स्क्वायर, और इसको इस तरफ लेते आइए माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
बराबर ए स्क्वायर है और इसको उस तरफ लेके जाइए, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर, बल्कि देखिए तो एक्स स्क्वायर दो जगह है क्या, दो जगह है, एक्स स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर आपका ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा है, और अब दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कीजिएगा, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, जब भाग दीजिएगा तो देखिए तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू आपका हो गया वन माइनस ई स्क्वायर, भाग दे दीजिए ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, अब इधर तो काम है नहीं, इधर आप मिटा दीजिए, और अब क्या कीजिए कि यहां पर प्लस कितना हो गया बोलिए तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर बराबर आपका हो गया वन, ये दोनों काट दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया वन, और इसको हम लोग बी स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, और ये भी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहलाता है, समझिए, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए हम लोग एक्चुअल में क्या होता है कि एलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होता है और दो इसेंट्रिसिटी होता है, तो लास्ट में जब ये आपका बन जाए तो एक डायरेक्ट्रिक्स आपको यहां पर दिखा देना है, ये इसका नाम आप दे दीजिए जेड वन और इसका नाम जेड वन डैश, ये आपका एस डैश और ये माइनस ए जीरो हो जाएगा, समझिए कितना हो जाएगा आपका माइनस ए जीरो, ये आपका सेकेंड होता है फोकस और ये आपका होता है सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, इस चीज को भी दिखा दीजिए लास्ट में, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, और अब ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया।